पहला है वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? 34, 35, 32, 36। 35 ऑप्शन बी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून, 8 मार्च। 24 दिसंबर। ऑप्शन क्या हो गया? बी। 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क, होल मार्क, आई एस आई मार्क। होल मार्क चिन्ह का प्रयोग किस पर होता है? आभूषण पर। किस पर? आभूषण पर। एक मार्क चिन्ह का उपयोग किस पर होता है? कृषि उत्पाद पर। किस पर होता है? कृषि उत्पाद पर। कृषि उत्पाद वाले पर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 68, 86, 84, 76। 1986 में। ऑप्शन बी। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह, तभी बताया ना कृषि उत्पाद, उस पर कौन सा चिन्ह रहता है? होल मार्क, एक मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। एक मार्क। एक मार्क। होल मार्क किस पर रहता है? आभूषण पर। आभूषण पर। अगला ऑब्जेक्टिव है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है? स्वर्ण आभूषण आ गया ना। आईएसआई मार्क, होल मार्क, एक मार्क। होल मार्क। होल मार्क। तीनों भी चिन्ह का जो है किस पर प्रयोग किया जाता है देख लिया ऑब्जेक्टिव में। ऑप्शन बी, चौका बी। अब है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। उपभोक्ता। उपभोक्ता किसको बोलते हैं? खरीदने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। बेचने वाला दुकानदार। फैक्ट्री में बनाने वाला उत्पादक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। 15 मार्च। ऑप्शन बी। खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आईएसआई मार्क, होल मार्क, एक मार्क, इनमें से कोई नहीं। एक मार्क। और यह चिन्ह किस पर लगता है? कृषि उत्पाद पर। और कृषि से न खाने पीने की वस्तु जो है कि हम लोगों को मिलता है जी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50, 70, 10 रुपये। कोई शुल्क नहीं है। कोई शुल्क नहीं। कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद देखो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 91 में, 93 में, 95 में, 97 में। 1993 में। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बी। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2001, 2003, 2005, 2007। 2005। 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में? राज्य आयोग में। हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा का रहेगा जिला अदालत में। राष्ट्रीय आयोग कहाँ पर जाएगा? राष्ट्रीय आयोग में। देखो जिला अदालत से कहाँ जाता है? राज्य से कहाँ जाता है? राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आयोग में तभी शिकायत होता है जब आपको हानि, कोई सामान 1 करोड़ से अधिक रुपये की खरीदी है, वो आपको डैमेज मिला या खराब मिला, तो कहाँ शिकायत करना है? राष्ट्रीय आयोग में। इसके बाद देखो सूचना का अधिकार
किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक, परंपरागत? वैधानिक। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1100, 1100, 1811, 4000। कौन है? 1811, 4000। ऑप्शन सी। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता? कोई नहीं, कंपनी। ऑप्शन बी। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है बाजार, उत्पाद, कॉल सेंटर? कोई नहीं, कॉल सेंटर। ऑप्शन सी। गुणवत्ता का निदान नहीं है, ISI, एक मार्क, मोल मार्क, बुल मार्क? बुल मार्क। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में? इंग्लैंड में। ऑप्शन सी। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय? त्रिस्तरीय। ऑप्शन ए। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, श्रीलंका? श्रीलंका, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, रोल्फ नादर, डॉक्टर कलाम? रोल्फ नादर। ऑप्शन सी। इसके बाद देखो, उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार हैं माप तोल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, इनमें से तीनों? इनमें से तीनों। ऑप्शन डी। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकार को पहचानो? आज नगद कल उधार। ये तो दुकानदार लिख देता है अपने दुकान पे, आज नगद कल उधार, उधार। डेट नहीं मारता है, बहुत चलाक होता है, डेट मार देगा तो एकदम कहेगा ना, नहीं तो कल कभी कल, आज बोले कल, कल फिर जाएगा तो क्या कहेगा, कल, क्योंकि डेट मारा हुआ नहीं है, आज कभी जाता नहीं, कल कभी आता नहीं, आज हम कहते हैं आज, कल भी तो जाएंगे तो कलो क्या कहेंगे, आज, जब तक डेट नहीं मारेंगे तब तक। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, सी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। इनके कारण भी उपभोक्ता का क्या होता है, शोषण। उपभोक्ता किसको बोलते हैं, जो सामान खरीद करके उपयोग करता है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो, धोखाधारी से बचो, सजग उपभोक्ता बनो। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, टीवी प्रचार देखती होगी, जागो ग्राहक जागो, देखती है ना, सीरियल सब देखती है, इतने देता है बीच बीच में। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर? कभी नहीं, 30 दिन के अंदर। ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है, कब? 90 में, 92 में, 93 में, 95 में? 1995 में। ऑप्शन डी।